हेलो गुड मॉर्निंग छात्रों, आरके पीजी साइंस कॉलेज कालबाग जयपुर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है बच्चों। तो जैसा कि हमने बीए थर्ड ईयर के द्वितीय प्रश्न पत्र में 6 निबंधों में से 5 निबंध के प्रश्न उत्तर कंप्लीट करवा दिए हैं, जो पिछले वीडियोज में आपको देखने को मिल जाएंगे। अब हम अध्ययन करवाएंगे आपको छठवें निबंध का, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। साथियों, ये निबंध बहुत ही अच्छा श्रेष्ठ निबंध है। जैसे कि ये निबंध ललित शैली की भावात्मक रचना है। साथियों, इसमें राम के चरित्र के माध्यम से समकालीन जीवन की व्यथा वेदना का भी निरूपण किया गया है। राम के चरित्र के माध्यम से ही समकालीन वर्तमान में जो व्यथा और वेदना है उसका निरूपण किया गया है। तो बच्चों, प्रश्न है आपका, इसके लेखक है, सॉरी लेखक है पंडित विद्या निवास मिश्र। पंडित विद्या निवास मिश्र ने इस निबंध को बहुत ही वैचारिक रूप से प्रस्तुत किया है, भावात्मक रूप से प्रस्तुत किया है। साथियों, पहला प्रश्न है आपका, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध में व्यक्त विचार एवं वर्तमान जीवन की व्यथा पर प्रकाश डालिए। वर्तमान जीवन की व्यथा पर प्रकाश डालिए। और उत्तर है आपका सामान्य परिचय। सबसे पहले हमें लेखक परिचय से अवगत होना होगा, तो चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि लेखक के जीवन के बारे में जान लें, थोड़ा सा इसके परिचय का अध्ययन करते हैं, फिर चलते हैं आगे। देखेंगे बच्चों, जैसा कि पंडित विद्या निवास मिश्र आधुनिक युग के प्रमुख प्रतिभा संपन्न निबंधकार हैं। मिश्र जी ने अधिकतर ललित निबंध लिखे हैं। साथियों, मिश्र जी संस्कृत के प्रकांड विद्वान एवं हिंदी के जाने माने प्रणेता हैं। इनका जन्म सन 1926 में 28 जनवरी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था और वे अपनी बोली और संस्कृति के सदैव बोली और संस्कृति के प्रति सदैव अग्रही रहे। साथियों, सन 1945 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने स्नातकोत्तर एवं डॉक्टरेट की उपाधि होने के बाद विद्या निवास मिश्र ने अनेक वर्षों तक आगरा, गोरखपुर, कैलिफोर्निया और वाशिंगटन विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया। इन सभी विश्वविद्यालयों में इन्होंने अध्यापन का कार्य किया, जिनके अभी हमने नाम आपको बता दिए हैं। तो साथियों, अध्यापन के दौरान वे देश के प्रतिष्ठित पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय एवं काशी विद्यापीठ के कुलपति भी रहे और इसके बाद अनेक वर्षों तक वे आकाशवाणी और उत्तर प्रदेश के सूचना विभाग में कार्यरत रहे। साथियों, वाराणसी और गोरखपुर में शिक्षा प्राप्त करने वाले श्री मिश्र ने गोरखपुर विश्वविद्यालय से वर्ष 1960-61 में पाणिनी की व्याकरण पर डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। तो बच्चों, ये था इनका जीवन परिचय। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं भी हैं, उन रचनाओं में सबसे मुख्य रचनाएं हैं, जो प्रमुख रचनाएं हैं इसमें है महाभारत का काव्यार्थ और भारतीय भाषा दर्शन की पीठिका। ये प्रमुख रचनाएं मानी गई हैं इनकी। साथियों, रचनाओं की बात करें
तो इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं और ललित निबंधों में जैसे कि तुम चंदन हम पानी, ये भी आपका ललित निबंध है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, तो ललित निबंधों की श्रेणी में कौन कौन से निबंध आते हैं देख लेंगे आप। तुम चंदन हम पानी, वसंत आ गया, और शोध ग्रंथों में इन्होंने हिंदी की शब्द संपदा, शोध ग्रंथ जो है उसमें हिंदी की शब्द संपदा नाम का निबंध चर्चित है। साथियों इनके अन्य ग्रंथ भी हैं, बहुत सारे अन्य ग्रंथ हैं इनके, जैसे कि कितने मोर्चे, गांधी का करुण रस, चिड़िया रैन बसेरा, चितवन की छांव, ये इनका निबंध संग्रह है चितवन की छांव, तुलसीदास भक्ति प्रबंध का नया उत्कर्ष, थोड़ी सी जगह दें, ये थोड़ी सी जगह दें ये घुसपैठिए पर आधारित निबंध है बच्चों, फागुन दुई रे दिना भारतीय संस्कृति के आधार। साथियों ये पुस्तक का नाम है भारतीय संस्कृति के आधार, भारतीय संस्कृति के जीवन पर आधारित है ये पुस्तक। और वसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, रहीमन पानी राखिए, ये जल पर आधारित निबंध है इनका। और भ्रमरानंद का पचड़ा, भ्रमरानंद का पचड़ा ये इनकी श्रेष्ठ कहानी संग्रह है। तो बच्चों अब हम बात करेंगे आपको निबंध में व्यक्त विचार एवं प्रतिपाद्य। तो सबसे पहले हम देखेंगे निबंध में व्यक्त विचारों पर चर्चा करेंगे। प्रस्तुत निबंध में मिश्र जी ने राम वनवास को लेकर जो विचार प्रस्तुत किए हैं वे इस प्रकार हैं। साथियों देखेंगे आगे हम पॉइंटों की चर्चा करते हैं, तो निबंध में जो मेन पॉइंट हैं उनकी बात करते हैं। बच्चों यहाँ बात करते हैं निबंध में व्यक्त विचार एवं प्रतिपाद्य की। तो निबंध में व्यक्त विचार कौन कौन से हैं देखेंगे आप। नंबर एक, परिवेश का तनाव और उदासी। नंबर दो, सांस्कृतिक जीवन की आस्था। नंबर तीन, दो पीढ़ियों में वैचारिक अंतर। नंबर चार, राम का मुकुट भीगने की व्यथा। नंबर पांच, ऐश्वर्य एवं निर्वासन का योग। नंबर छह, सीता का निर्वासन। नंबर सात, मंगल प्रभात की कल्पना। और उसके बाद में निबंध का प्रतिपाद्य पर चर्चा करेंगे बच्चों, अध्ययन करेंगे इसका, फिर चलेंगे निष्कर्ष पर। तो देखेंगे आप आगे, सबसे पहला पॉइंट है आपका परिवेश का तनाव और उदासी। परिवेश में जो तनाव और उदासी हुई है वो क्यों हुई है? साथियों डॉक्टर मिश्र ने जो निबंध के अंदर एक ऐसी घटना जिसमें उनकी एक महानगरीय वातावरण में पली हुई कन्या, महानगरी यानी बहुत बड़े शहर में जब बच्चे रह जाते हैं तो उनके अंदर थोड़ा सा खुलापन होता है, जैसा कि आमतौर पर हम सबने देखा है ग्रामीण परिवेश का बच्चा अलग विचारों का होता है और महानगरों या सिटी का बच्चा अलग प्रकार की विचारधारा रखता है। तो साथियों जो महानगर में पली बड़ी कन्या थी, किसकी? पंडित विद्यानिवास मिश्र की, इन्हीं की बात हो रही है बच्चों। तो वो कन्या जो थी उनके एक लड़के के साथ रात्रि में संगीत का कार्यक्रम सुनने के लिए चली गई। साथियों संगीत का कार्यक्रम सुनने चली गई
और देर रात तक वो घर वापस नहीं लौटी। तो इसी चिंता से ग्रस्त होकर के साथियों लेखक ने देर रात तक जब वो नहीं लौटी तो इसी कारण जो वातावरण है वो तनावपूर्ण हो गया और उसके नहीं लौटने के कारण तनाव का कारण उत्पन्न हो गया और उसी से उक्त निबंध की विषय वस्तु अग्रसर होती है। साथियों तो आपने देखा कि परिवेश का तनाव और उदासी क्या है। लेखक पूरी रात बैठा रहता है और उसकी महानगर में पली बड़ी कन्या कुछ खुले विचारों की है जो उन्हीं के लड़के के साथ कहीं संगीत के कार्यक्रम में चली जाती है और देर रात तक जब वो नहीं लौटती है तो लेखक के तनाव का कारण और उदासी का कारण बन जाती है। साथियों उसी कारण को लेकर के लेखक के मन में इतने अच्छे विचार उत्पन्न हुए। अब हम दूसरे पॉइंट पर चलते हैं, सांस्कृतिक जीवन की आस्था। पॉइंट नंबर दो, सांस्कृतिक जीवन की आस्था। तो बच्चों लेखक बताते हैं कि छोटी सी घटना से उनके मन में सांस्कृतिक जीवन की आस्था जागी और उनके मन में तब वह सोचने लगे कि राम का राज्यकाल व्यतीत हुए हजारों साल हो गए। राम का जो राज्यकाल था उसको व्यतीत हुए हजारों साल हो गए परंतु अभी भी पूरे अवध एवं भोजपुर के लोकगीत लोक जीवन में यह गीत गूंजता रहता है। कौन सा? कि मोरे राम के भीजे मुकुटवा, लक्ष्मण के पटकुवा इत्यादि। देखा यहाँ जो है अवध और भोजपुर के अंदर ये लोकगीत अभी भी गूंजता रहता है जबकि राम का राज्यकाल व्यतीत हुए हजारों साल हो चुके हैं, लेकिन एक भावना एक आस्था जो है लोगों की वो अभी भी उसी तरह जिंदा है जैसे कि पहले हुआ करती थी। ये हमारी संस्कृति का एक मूल भाग है साथियों। तो अभी भी ये गाना माताएं बहने गुनगुनाती हैं, मोरे राम के भीजे मुकुटवा, लक्ष्मण के पटकुवा इत्यादि। साथियों अब हम चलते हैं तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तीसरा पॉइंट है आपका दो पीढ़ियों में वैचारिक अंतर। तो आप देखेंगे दो पीढ़ियों में वैचारिक अंतर किस प्रकार उत्पन्न होता है, किस प्रकार हुआ है, देखेंगे आगे। डॉक्टर मिश्र कहते हैं कि पिछली पीढ़ी अपनी संतान के लिए सदा चिंतित रहती है, अभी भी रहते हैं कुछ तो। बच्चों वह संभावित संकट की कल्पना मात्र से उद्विग्न हो जाती है और नई पीढ़ी अपनी पिछली पीढ़ी की ममता की इस पीड़ा को नहीं समझती है। इस कारण वह उसके प्रति निश्चिंत रहती है तथा उसकी आकुलता का उपहास भी करती है। आपने देखा होगा साथियों कई घरों में ऐसा होता है कि बच्चे देर तक अपने मित्रों के साथ चले जाते हैं, देर रात तक घर वापस नहीं आते हैं, लेकिन पिछली पीढ़ी जो थी वो इन कारणों से चिंतित रहती थी अपने बच्चों के लिए और उनमें जो अंतर है, मतभेद है, जो विचारों का अंतर है वो इसी प्रकार है। तो साथियों आज की जो नई पीढ़ी है वर्तमान समय की वो निश्चिंत स्वभाव की है, उसे किसी की भी कोई चिंता नहीं है। और देखा जाए तो जब घर के बड़े जब उनके लिए चिंता करते हैं तो उस बात पर वो उनका मजाक भी उड़ाते हैं कि आपको क्या फिक्र है, क्या चिंता है, सो जाओ, मैं आ जाऊंगा, खाना खा लूंगा, सो जाऊंगा। इस तरह की हरकतें आज के बच्चे करते हैं, बिल्कुल निश्चिंत हैं, किसी की परवाह नहीं है, ना खुद की ना ही अपने घर के बड़ों की। तो ये अंतर जो है दो पीढ़ियों में वैचारिक अंतर बताया गया है। तो बच्चों
अब हम चलेंगे चौथे पॉइंट की चर्चा करते हैं। चौथा पॉइंट है हमारा राम का मुकुट बिकने की कथा। अब राम का मुकुट जबकि देखा जाए तो आप समझ सकते हैं इस चीज को, राम को जब वनवास भेजा गया था तो मुकुट तो धारण किया ही नहीं था, लेकिन लेखक के आस्था और भावनाओं के से भरे हुए विचार जो है वो अभी भी निबंध के माध्यम से आपको इनसे अवगत कराया जा रहा है। राम का मुकुट भीगने की व्यथा, यानी उनका मुकुट वनवास के समय जब गए हैं तो लेखक के मन में वो व्यथा है, क्या है कि बरसात हो रही होगी, भगवान राम का मुकुट ना भीगे, लक्ष्मण का पटका नहीं भीगे और सीता माँ का सिंदूर नहीं भीगे, ऐसी व्यथा लेखक के मन में है। लेकिन क्या ये सही है? कुछ हद तक सही भी है, भले ही देखा जाए तो पटुका और सिंदूर माता सीता का वो नहीं भीगना चाहिए, इसी व्यथा से जुड़ा है राम का मुकुट। तो साथी और राम का मुकुट, मुकुट उन्होंने धारण किया ही नहीं था, तो वो तो वनवासी वस्त्रों में वन को गए हुए थे, तो उसी पर चर्चा करते हैं। साथियों तीसरा पॉइंट है आपका, देखेंगे ध्यान से बच्चों, लोक जीवन में माता कौशल्या की भावनाओं का प्रतिरूप आज भी मुखरित है कि इसी कारण राम वन में निर्वासित हैं, फिर भी उनके मस्तक पर मुकुट बंधा हुआ है। साथियों वास्तविकता यह थी कि वन के लिए प्रस्थान करते समय राम ने सारा राजकीय वेश उतार दिया था, मुकुट भी उतार दिया था, परंतु राज्याभिषेक की स्मृति के रूप में लोगों का मन तो मुकुट से बंधा रहा। कौशल्या के माता कौशल्या के मातृ स्नेह से जुड़ा रहा, फिर भी वह मुकुट उनके मस्तक से कैसे उतरता? साथियों ये आस्था का विषय है, लोगों ने राज्याभिषेक के समय श्री राम को जिस रूप में राजकीय वेश में सजा संवरा देखा था, साथियों उसी मुकुट की बात हो रही है और वही मुकुट लेखक के मन में भी आस्था के रूप में जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए लोगों को चिंता बनी रही कि वन में राम का मुकुट न भीगे, उनके अंगरक्षक लक्ष्मण का पटका यानी कमरबंद न भीगे और सीता माँ की मांग का सिंदूर भी न भीगने पाए। बच्चों तब से लेकर लोक जीवन में यही व्यथा वेदना मधुर गीत के रूप में सांस्कृतिक धरोहर की तरह जीवित है। साथियों क्योंकि आज भी देश दुनिया में लाखों करोड़ों कौशल्याओं द्वारा मुखरित एक अनाम अरुण कौशल्या मन में विराजमान है, जिनके राम अर्थात जिनकी संतान कहीं अन्यत्र निवास करती है। आज के युग में बच्चों देखा जाए तो बच्चे बाहर पढ़ने के लिए भेजे जाते हैं और देश विदेशों में जिन माताओं की संतानें हैं वो आज भी उनके लिए इतना चिंता करती हैं, और स्वाभाविक भी है, मातृत्व भाव है, इसलिए उनकी चिंता करना एक स्वाभाविक माँ का धर्म है। तो बच्चों जैसा कि जिन माताओं के बच्चे हॉस्टलों में या देश विदेशों में पढ़ने के लिए भेज दिए गए हैं, शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेज दिए गए हैं, उन माताओं की आज भी वही कौशल्या जैसी दशा है। साथियों वो भी चिंतित होती है, वो भी अपने बच्चों की फिक्र करके रातों को सोती नहीं है, उठ के रातों को बैठ जाती है और अपने बच्चों को याद करती रहती है। तो साथियों देखेंगे अब हम चलेंगे, चौथा पॉइंट कंप्लीट हो गया है, अब बात करते हैं पांचवें पॉइंट की, ऐश्वर्य एवं निर्वासन का।
योग, ऐश्वर्य और निर्वासन, ये दोनों ही योग एक साथ जुड़े हुए हैं। तो साथियों यहाँ परिस्थितियां बहुत ही भावुकता से भरी हुई हैं, देखेंगे आप आगे। बच्चों मानवीय संवेदना के स्तर पर देखा जाए तो यह घटना अतीव वेदनामयी है। यह मनुष्य की सनातन नियति है कि ऐश्वर्य और निर्वासन साथ साथ चलते हैं, जिसे अभिषेक के बाद ऐश्वर्य सौंपा जाना था, साथियों उसे ही निर्वासन मिला यानी वनवास मिला। तो बच्चों मन का उत्साह फीका पड़ जाता है। राम के निर्वासन के समय भी सारा मंगलोत्सव अमंगल बन गया था। इसी कारण लोगों का दुख सदा जीवंत बना रहा। लेखक के विचार यथार्थ हैं, सत्य हैं, श्रेष्ठ हैं। साथियों अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 6 की। पॉइंट नंबर 6 है सीता का निर्वासन। बच्चों सीता का निर्वासन में देखेंगे सीता माँ को किस प्रकार निर्वासन मिला, उसका अध्ययन करते हैं। साथियों सीता के पुनर्निर्वासन का उल्लेख करते हुए, क्योंकि एक बार तो श्री राम वनगमन के समय सीता माता साथ गई थी 14 वर्षों के लिए, उनको भी वनवास हो गया था, और दूसरा निर्वासन जिस समय अयोध्या वापस श्री राम आ गए थे और किसी आम व्यक्ति के द्वारा ये कहे जाने पर कि सीता माँ रावण के घर रहकर आई हैं, तो कैसे पवित्र होंगी, ऐसा विचार श्री राम के लिए बहुत ही असहनीय था, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, मर्यादाओं में बंधे हुए थे, कभी भी ऐसी बात को वो सहन नहीं कर सकते थे। तो साथियों सीता का निर्वासन करते हुए लेखक बताता है कि राजा बनने के बाद एक लोकापवाद के कारण राम ने सीता को निर्वासन दिया। सीता वन में अकेली रही, उसने दो पुत्रों के प्रसव की पीड़ा अकेले ही भोगी, परंतु उन बच्चों के जन्म पर कोई गीत गाने वाला नहीं रहा। कुछ समय बाद एक शूद्र को दंडित करने राम पुनः उसी वन में गए जहां सीता अपने बालकों के साथ निर्वासित थी। साथियों तब पुरानी घटनाओं का स्मरण कर राम को अति वेदना हुई थी, जिससे सीता के वर्चस्व का सम्मान हुआ था। साथियों उस समय सीता का निर्वासन जो हुआ था बहुत ही करुणा से भरा हुआ था, बहुत ही वेदना से भरा हुआ था। तो लेखक की भावनाएं और विचार यहाँ पर बहुत ही गहराई के साथ यथार्थता को लिए हुए हैं। साथियों आगे हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 7 की, मंगल प्रभात की कल्पना। देखेंगे आगे मंगल प्रभात की कल्पना में आगे चर्चा करते हैं। साथियों अयोध्यावासी राम के निर्वासन की समाप्ति के लिए मंगल प्रभात की कल्पना करते रहे। लेखक भी सारी रात अपने परिचितों के कारण चिंताग्रस्त रहा, और प्रभात होते ही उसकी चिंता समाप्त हो गई। परंतु उसी क्षण चक्की चलाने के साथ ही लोकगीत के रूप में मोरे राम के भीजे मुकुटवा का स्वर मुखरित होने लगा, और इससे लेखक का मन फिर से उदास और निराश हो गया।
साथियों, आशा यह है कि दूरस्थ संतानों के लिए मंगल कामना तथा उनके सकुशल अपने घर लौटने के मंगल प्रभात की कल्पना प्रायः प्रत्येक ऐसी माता करती है जिसका पुत्र बाहर गया हुआ है, परदेश गया हुआ है और उसके पास नहीं है। ऐसी प्रत्येक माँ ऐसा ही करती है। साथियों, ये हुई हमारे पॉइंटों की बात, निबंध में जो व्यक्त विचार थे उसकी बात हुई है। अब हम ले चलते हैं प्रतिपादन की ओर, निबंध का प्रतिपादन, इस पर चर्चा करते हैं, अध्ययन करेंगे बच्चों। तो देखेंगे आगे निबंध का प्रतिपाद्य क्या रहा। साथियों, प्रस्तुत निबंध में प्रतिपादित किया गया है कि राम का वनवास और उनके कष्टों का समय, यद्यपि अतीत की बात हो गई है परंतु भारतीय संस्कृति में राम का जीवन आस्था श्रद्धा का रहा है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वे संकट में भी विचलित नहीं हुए, यही उनका रामत्व था, यही उनकी मर्यादा थी। लेकिन लोक जीवन में, विशेष रूप से भोजपुरी जनजीवन में उनके कष्टों का वही चिंतन हजारों वर्षों से चला आ रहा है। इस कारण साथियों, आज भी लोक गीतों में उसका मधुर, दर्द भरा, ममतामय स्वर गूंजता रहता है। बच्चों, वर्तमान जीवन में निराशा, कुंठा, मन की टूटन घुटन एवं व्यक्तित्व के बिखराव से दुख दर्द की ही अधिकता है। आज का मानव मुद मंगल से काफी दूर चला गया है। साथियों, लेखक ने राम के जीवन से सत प्रेरणा ग्रहण करने का संदेश दिया है। वर्तमान जीवन के दुख दर्द की मार्मिक व्याख्या की है, साथ ही इस सांस्कृतिक जीवन की त्रासदी का महत्व निरूपित किया है। बच्चों, ये था निबंध का प्रतिपाद्य। अब हम ले चलते हैं आपको निष्कर्ष की ओर। तो देखेंगे निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष पर चर्चा करते हैं। जैसा कि संक्षेप में कहा जा सकता है कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, निबंध में लेखक ने भारतीय संस्कृति से संबंधित विचारों की सुंदर अभिव्यक्ति की है और इसमें लोक आस्था, राम के चरित्र से, चरित्र के उत्कर्ष एवं वर्तमान जीवन में विद्यमान दुख दर्द की सुंदर व्यंजना हुई है। साथियों, इस दृष्टि से यह श्रेष्ठ ललित भावपूर्ण निबंध है और इसके विचार, निबंध के माध्यम से लेखक के विचार पूर्णतया सत्य और यथार्थ पर आधारित हैं। तो साथियों, ये निबंध पूर्ण रूप से ललित शैली और भावात्मक आस्था से भरा हुआ, भावनाओं से भरा हुआ निबंध है जो श्रेष्ठ है। तो अब हम चलते हैं आगे।